नमस्कार, मैं दीक्षित शर्मा आपनलोक सकलके स्वागतम जनाइछो। और एक मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण बातरी होल जे आरएसएस प्रधान मोहन भागवते एबार का प्रसंगत मुख खुलिसे और का प्रसंगत मुख खुलि कैसे जे का भारतीय नागरिकर बाबे क्षतिकारक नहय और विशेषकै से सकल लोकक जोने काक लय समग्र देशत विरोधिता करिले तेउलोकक तीव्र समालोचना करि मन्तव्य करिले जे देशत अनेक धरणर एटा परिवेश गढ़ि तोला हल जाते मुसलमानर जाते संख्या देशत बृद्धि नहय तार बाबे हे ए आइन ए का देहत बलबत करा होइसे बा अना होइसे। ए मुहूर्तर ए ब्रेकिंग न्यूज तो आमी आपनलक लय आगबहाइसु जे आरएसएस प्रधान मोहन भागवतर का प्रसंगत मन्तव्य आरु तेव मन्तव्य करिसे आरु बिखेक कय हे सकल लोकक जुने कार विरोधिता करिसिल हे विरोधिता करा लोक सकलर प्रसंगत तीव्र समालोचना करि तेव मन्तव्य करि कयसे जे का जी समय देश बलबत कर देश एने और विरोधित करा लोक एने परिवेश गढ़ि तुलिले एनेरण परिवेश गढ़ि तला हल जाते देश मुसलमान संख्या बृद्धि नपाय सेबे का अना आईन सभी बलबत करवेश देश गढ़ि तला हल और तार पाशते समग्र देश आंदोलन आरम्भ हल और परिस्थिति समग्र देश अधिक जटिल অধিক জটিল হৈ পৰিল এই গোটেই প্ৰসংগ। তাৰ লগতে কাৰ পক্ষত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ওচৰ চুবুৰীয়া দুই এখন দেশত সাম্প্ৰদায়িক কাৰণত লোক বহু লোকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ ইতিহাস আছে আৰু এই যিসকল প্ৰতাৰিত লোক হয় সেই প্ৰতাৰিত লোকসকলৰ বাবে ভাৰতেই একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থলী এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ লগতে বিশেষভাৱে কৈছে যে কাক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে বিপদজনক বুলি যি কৈ থকা হৈছিল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে का কোনো ক্ষেত্রতে বিপদজনক নাছিলে আর যি সকল লোক ইয়ার পরিবর্তে পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব সেই সকল লোকৰ বাবেও আইনৰ মাধ্যমেৰে যি নাগৰিকত্ব লোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া থাকিব কিন্তু এই আইনৰ মাধ্যমেৰে যি সকল লোক ওচৰ চুবুৰীয়া যি সকল লোক দেশৰ লোক আছে যি প্ৰতাৰণা হৈছে বা ধৰ্মীয় কাৰণত প্ৰতাৰিত হৈছে তেওঁলোকক যাতে সোনকালে নাগৰিকত্ব দিব পৰা যায় আশ্ৰয় দিব পৰা যায় সেইবাবে এই আইন আছে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে का कोदिनाखने क्षतिकारक ना और विरोधित करो तीव्र समालोचना एबार आर एस एस प्रधान मोहन भागवते विजया दशमी उत्सव भाषण प्रदान करी की मंतव्य कर आर एस एस प्रधानगढ़ मंतव्य यह मुहूर्त आगे नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद में संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में दो तीन देश ऐसे है जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं वो भारत में आते हैं तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं यहाँ पर वो जल्दी बच जाए ठीक से बच जाए इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद। वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आंच थी वो मन के मन में रहेगी, उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी, और कोरोना ही छाया रहा। দুর্গা পূজা মানে উৎসবর বতর, কিন্তু এইবার দুর্গা পূজাত
সজাগ হোক সচেতন হোক কোভিড প্রটোকল আর সরকারি নীতি নিয়ম মানি চলা তিনিখনক বিশেষ পূজা সমিতিক আমি নির্বাচিত করিম শ্রেষ্ঠতার ভিত্তিত আর সেইভাবে আমি লৈ আহিছো অমৃত সিমেন্ট হেলদি পূজা অ্যাওয়ার্ডস 2020 ডিজিটাল পার্টনার টাইম রেডিও পার্টনার 92.7 বিগ এফএম লগতে সেই সকল দুর্গারূপী মহিলা কোভিড যোদ্ধালেও আমার সেলুট তেওঁলোক আমার ফালৰ পৰা থ্যাংক ইউ দুর্গা বাই অমৃত সিমেন্ট।